Hello to all the students. Okay, so today we'll be discussing the tick the correct options with you. Okay, so are you all ready to do? Yes. First one says Arav has a dash player. Arav ke paas kaun sa player tha? MF3 player? No. M3P player? No. MP3 player? Yes, Arav ke paas kya tha? MP3 player. So we will tick on MP3. Then next one says Mrs. Ishmita was cooking food in the dash. Mrs. Ishmita khana kahan bana rahi thi? Bedroom mein bana rahi thi? No. Kitchen mein bana rahi thi? Yes. Kahan khana bana rahi thi? Kitchen mein. To hum yahan par tick karenge kitchen par. थर्ड वन आरव वॉज ऑन द डैश. आरव कहाँ पर था? टेरेस पर था, बेडरूम पर था या फिर किचन में था? कहाँ था? टेरेस पर था. तो हम यहाँ पर टिक करेंगे टेरेस पर. देन आरव्स डैश केम आउट ऑफ द किचन. आरव का कौन किचन से बाहर आया था? ब्रदर, फादर या मदर? कौन था? मदर. उसकी मदर किचन से बाहर आई थी तो हम यहाँ पर टिक करेंगे मदर. मिसेस इश्मिता वॉज कॉलिंग डैश फॉर आरव फॉर हेल्प. सॉरी, मिसेस इश्मिता किसको मदद के लिए बुला रही थी? अनंत को, आरव को या अर्नव को? किसको बुलाया था? आरव को. तो हम यहाँ पर आरव पर टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल बी डूइंग दिस पार्ट, दिस टिक द करेक्ट ऑप्शन इन योर फेयर कॉपी, फेयर इंग्लिश नोटबुक. ओके, सो नाउ गेट स्टार्टेड विद दी फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश वॉज अराउंड 8:30 PM. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? द डैश वॉज अराउंड 8:30 PM. द टाइम वॉज अराउंड 8:30 PM. ओके, स्पेलिंग इज हियर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम, TIME, टाइम. मिसेस इश्मिता कॉल्ड आरव फॉर. मिसेस इश्मिता ने आरव को किस लिए बुलाया था? हेल्प के लिए, फॉर हेल्प. HELP, हेल्प. आप हेल्प यहाँ लिखेंगे. देन डैश गॉट स्लिप्ड. कौन फिसल गया था? मिसेस इश्मिता फिसल गई थी. तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिसेस इश्मिता. देखिए स्पेलिंग आपको यहाँ दी हुई है, मिसेस इश्मिता. ओके, देन मिसेस इश्मिता बिकेम. मिसेस इश्मिता को क्या हो गया था? वे अनकॉन्शियस हो गई थी. अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गई थी. देखिए स्पेलिंग है अनकॉन्शियस की, UNCONSCIOUS, अनकॉन्शियस. ओके, तो आप अगर चाहें तो पीछे बुक से देख के अनकॉन्शियस की स्पेलिंग लिख सकते हैं. देन मिस्टर अनंत अराइव्ड एट. मिस्टर अनंत कहाँ पहुँचे थे? मिस्टर अनंत अराइव्ड एट होम. ठीक है, मिस्टर अनंत घर आ गए थे. ओके, तो ये आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में. देन आरव वॉज, नाउ ट्रू फॉल्स. आरव वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ. आरव क्लास फोर्थ में पढ़ता था. ट्रू. तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी, ट्रू. देन टाइम केप्ट ऑन पासिंग स्लोली एंड हैप्पीली. समय धीरे धीरे और खुशी से बीतता गया. ट्रू. आरव ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन हिज होम टेरेस. आरव को अपने घर की छत पर वॉक करने की आदत पैदा हो गई थी. ट्रू. अनंत डिड नॉट पे एनी हीट टू हिज पेरेंट. अनंत ने अपने पेरेंट्स की बात पर ध्यान नहीं दिया था या आरव ने नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? आरव ने. तो इसलिए ये वाला हो गया फॉल्स. एफ, मिसेस इश्मिता गॉट एन इंजरी ऑन हर हेड. मिसेस इश्मिता को सर पर चोट लगी थी या पैर में? सर पर चोट लगी थी. तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल बी डूइंग टेक द करेक्ट ऑप्शन, fill in the blanks and true false in your English fair notebook. And in the next class, I shall be discussing with you the
question answers. These five question answers. Okay, so be ready for tomorrow's class with question answers and the vocabulary part also. Okay, so all the best.